नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बनाएंगे केचप सॉस। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, हमने आलू को बॉईल कर लिया था और इस तरीके से उसको अच्छे से फोड़ लेते हैं सैंडविच में डालने के लिए। तो आलू को यहाँ पे अच्छे से मैं फोड़ देती हूँ, काफ़ी अच्छे से मिक्स हो जाए, उसके अंदर थोड़ा सा भी खड़ा आलू ना रहे, काफ़ी अच्छे से मैश हो जाए। तो इसका मैं चोखा बना लेती हूँ। तो इस तरीके से देखिए, मैं हाथों से अच्छे से आलू को फोड़ लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आलू को अच्छे से फोड़ लिया। अब इसके अंदर मैंने पतले पतले प्याज करके काटे हुए थे, तो इसके अंदर डाल देती हूँ सैंडविच बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्च को भी काटा था, अब मैं इसके अंदर वो भी ऐड कर देती हूँ। और थोड़ा सा लहसुन भी मैंने इसके अंदर काट के रखा हुआ था, तो वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देती हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर देती हूँ इस तरीके से। तो आलू को इस तरीके से अच्छे से मैश कर देती हूँ। तो यहाँ पे हमारा ये चोखा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब चलिए सैंडविच बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने एक प्लेट ले लिया है, अब इसके ऊपर मैंने ब्रेड रख दिया है, तो अब इसके ऊपर मैं केचप लगा देती हूँ। तो केचप हमें पूरे ब्रेड पर लगाना है, चलकर फैलाकर। अब इसे डाल देती हूँ चाट मसाला, थोड़ा मसाला ऐड कर देती हूँ। और यहाँ पर जो मैंने चोखा बना रखा था इसके ऊपर वो भी डाल देती हूँ और इसे अच्छे से फैला देती हूँ। तो जो चोखा हमने यहाँ पे बनाया हुआ था वो चारों तरफ ब्रेड के लगा दिया है। तो अब हम सैंडविच के ऊपर दूसरा ब्रेड रख देंगे, तो इसके ऊपर भी हम केचप लगा देते हैं चारों तरफ। और इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा चाट मसाला को डाल देंगे, इससे इसका टेस्ट काफी अच्छा आ जाएगा, चटपटा टाइप का। तो चलिए हम दूसरे ब्रेड को भी इसी तरीके से सैंडविच बना लेते हैं। तो सबसे पहले केचप को इस तरीके से लगा देंगे ब्रेड के ऊपर। और थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे। और फिर जो हमने यहाँ पे चोखा लिया था वो भी इसके अंदर ऐसे मिक्स कर देंगे, चारों तरफ से फैला देंगे। ये बहुत ही इजी सैंडविच है, आप भी ज़रूर ट्राई करें इसे एक बार अपने घर में। इसमें ज़्यादा कुछ सामान की ज़रूरत नहीं है, आराम से अगर आपको भूख लगी हो तो आप आराम से बना के खा सकते हैं। और ये बहुत ही हेल्दी है, इसमें ज़्यादा ऑयल भी नहीं लगता। तो अब देखिए, दूसरे वाले पे भी हम केचप लगा के उसके ऊपर रख देंगे चाट मसाला डाल के। इस तरीके से करके हम सारे सैंडविच को बना लेंगे। तो सैंडविच यहाँ पर बन के रेडी हो चुका है। अब चलिए इसको मैं फ्राई कर देती हूँ थोड़ा सा इसको सेक के दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे हमने तवा रख दिया है चूल्हे के ऊपर और हल्का सा तेल लगा लेते हैं। इसमें ज़्यादा तेल नहीं की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा ही तेल लगाना है तवे पर। बस इसको हल्का हल्का सेकना है, ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना है, इसे हल्का सा सेकना है। तब इसके ऊपर मैं सैंडविच रख देती हूँ इस तरीके से। इसी तरीके से करके मैं सारे सैंडविच को तवे के ऊपर रख दूंगी और उसे हल्का हल्का सेकूंगी। अब इसको मैं पलट देती हूँ थोड़ा सा, इसे हल्का हल्का ब्राउन करना है, ज़्यादा सेकना नहीं है।
तो देखिए एक साइड और तेल लगा के मैं एक और सैंडविच को रख देती हूँ। सबसे पहले इसको पलट दूंगी। तो देखिए हल्का हल्का ये ब्राउन हो चुका है, अब दूसरे वाले को भी पलट देती हूँ। तो ये भी ब्राउन हो चुका है, दोनों साइड से इसी तरीके से मैं ब्राउन कर दूंगी। तो यहाँ पे देखिए हमारा सैंडविच बनके रेडी हो चुका है और देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये बहुत ही हेल्थी नाश्ता है, आप इसे बना सकते हैं आराम से इजिली अपने घर पर। तो ये हो चुका है, थोड़ा थोड़ा और मैं इसे अच्छे से सेक देती हूँ, थोड़ा सा और ये करारा हो जाएगा तो खाने में और ज़्यादा टेस्टी लगेगा, क्रिस्पी टाइप का। तो यहाँ पे हमारे ये दो सैंडविच हो चुके हैं, अब मैं थोड़ा सा जो और बचा हुआ है उसको भी बना लेती हूँ। इसी तरीके से फ्राई कर देती हूँ, हल्का सा सेक देती हूँ क्रिस्पी टाइप का। तो देखिए एक और सैंडविच मैंने इसके ऊपर डाल दिया है, ये दो हो चुका है, अभी थोड़ी देर में मैं इसको निकाल लूँगी, थोड़ा सा और करारा टाइप का हो जाए। तो थोड़ा थोड़ा और मैं ऑयल लगा देती हूँ ताकि थोड़ा क्रंची टाइप का हो जाए ये, ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि ज़्यादा ऑयल डालेंगे तो ये इसके अंदर ऑयल चला जाएगा, फिर ये उतना टेस्ट भी नहीं आएगा। हल्का हल्का ऑयल में ही हमें इसे फ्राई करना है। तो ये बिल्कुल हो चुका है, तो सैंडविच यहाँ पे हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसको आपको कट करके दिखा देती हूँ। तो देखिए बीचों बीच इसको हमें इस तरीके से कट करना है, बिल्कुल हल्के हाथों से। तो सैंडविच हमारे यहाँ पे काफ़ी अच्छा बन के रेडी हो चुका है, तो आप भी इसे एक बार ज़रूर अपने घर में ट्राई करें। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो मैं मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना प्यार हमें इस वीडियो में दिखाते रहिए, और ऐसी ही इजी सी रेसिपी लेके मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलूंगी। तो सैंडविच हमारे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बना था, इसमें ज़्यादा कुछ सामान नहीं लगा है, आप खुद देख सकते हैं कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है सैंडविच यहाँ पे देखने में, और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें, और हमें कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताएं कि ये सैंडविच कैसा बना है और कितना टेस्ट है।